सीपी राकेश अस्थाना का दावा, दिल्ली की पुलिस है मुस्तैद पर पूर्वी दिल्ली आनंद विहार बस अड्डा रेलवे स्टेशन है भगवान भरोसे। देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पर बड़ा हमला हो सकता है, इस बात की जानकारी खुफिया एजेंसियों ने दी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश विरोधी ताकतें न सिर्फ दिल्ली समेत एनसीआर में बड़े हमले कर सकती है बल्कि देश के बड़े नेताओं को भी निशाना बना सकती है। इस बात की जानकारी खुफिया तंत्र ने अपनी 9 पेज की रिपोर्ट बनाकर दिल्ली पुलिस को दी है। आपको बता दें कि जब से गाजीपुर की मंडी में विस्फोट मिला है और वहीं कल त्रिलोकपुरी में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया था, तब से ही खुफिया तंत्र समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो हर साल गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन इस बार मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में आतंकी साजिश से निपटने के लिए वीरवार से 15 फरवरी तक मानव रहित किसी भी वाहन उपकरण के उड़ने पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि हम पूरी तरह से मुस्तैद है, हमने 15 फरवरी तक दिल्ली में मानव रहित विमान, पैरामोटर, पैराग्लाइडर, ड्रोन, रिमोट से चलने वाले विमान, क्वाडकॉप्टर, पैरा जंपिंग जैसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यही नहीं, इस दौरान हमारी विशेष टीमें राजधानी के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पूर्वी दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ना ही कोई पुलिसकर्मी चेकिंग करता हुआ दिखाई दिया और ना ही कोई पुलिस का जवान दिखाई दिया। ऐसे में क्या समझा जाए, जहां एक तरफ दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश अस्थाना यह दावा कर रहे हैं कि हम पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं सूत्र बता रहे कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली को सीसीटीवी कवर देने की क्षमता की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बस स्टैंड आनंद विहार और रेलवे स्टेशन आनंद विहार पर नाम मात्र का चेकिंग है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगे स्कैनर तो लगे हैं, लेकिन लोगों की मर्जी है वह स्कैनर में अपना सामान डाले या स्कैनर के साइड पर से जाए, कोई पूछने या रोकने वाला नहीं है। अब इसी से देखा जा सकता है कि हमारे रेलवे स्टेशन और बस अड्डे कितने सुरक्षित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि ढालमिया की रिपोर्ट।